दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप जानते हैं कि इंसान के बच्चे कितने चंचल होते हैं, वो हर चीज को खाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि कोई भी चीज कहीं छूट ना जाए। बस दोस्तों यही कहानी जानवरों के साथ भी है, इन्हें भी लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। इन्हें लगता है भाई जो कुछ भी सामने है उसे खा लो। तभी तो समय समय पर जानवरों के पेट से कई सारी ऐसी चीजें निकली हैं जिसने इस दुनिया को बिल्कुल हैरान कर दिया है। तो हमने सोचा भाई क्यों ना इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नंबर वन, कैमरामैन इनसाइड द एनाकोंडा। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एनाकोंडा के मुंह में जाना पसंद करते हैं। आपको मेरी बात सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन दोस्तों ये कहानी बिल्कुल रियल है। इनसे मिलिए दोस्तों, इनका नाम पॉल है, जिन्होंने 2017 में ये काम करके दिखाया। इन्होंने एक स्पेशल कपड़े बनाए और प्रॉपर प्लानिंग की, अगर एनाकोंडा इनको खा भी ले तो इन्हें कैसे बचना है। दोस्तों ये समंदर के अंदर गए और वहां पर कैमरे का सेटअप किया। इनका प्लान दोस्तों सक्सेसफुल रहा और ये काफी हद तक एनाकोंडा के मुंह में जाने में सफल रहे, लेकिन उसके बाद ये बाहर आ गए। आप सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। कहते कि पॉल ने इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया क्योंकि ये लोगों के मन में एनाकोंडा के लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते थे। ये लोगों को बताना चाहते थे कि इस जीव को परेशान नहीं किया जाए। वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कोई इंसान एनाकोंडा के मुंह में जाके वापस आ जाता है। नंबर टू, वेल दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और नजारा जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सांप इतने खतरनाक होते हैं कि ये बड़े बड़े एंटीनास पर चढ़ जाते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप इस सीन को देखिए, क्या बात है। आप यहाँ देखिए कैसे एक बड़े से सांप ने एक बड़ी सी चिड़िया को अपना शिकार बनाया। दोस्तों जनरली कहा जाता है कि सांप जल्दी हमला नहीं करते हैं बर्ड्स पर, और ऊपर से इतनी बड़ी बर्ड्स पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन दोस्तों तस्वीरें कभी गलत नहीं बोलती। आप यहाँ देखिए कैसे सांप ने बर्ड को अपना निशाना बनाया, ये कैसे इन्हें खाने की कोशिश कर रहा है। अब आप ही कहिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई डरेगा या नहीं डरेगा। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि इस तरह के सांप बहुत है जो कि लोगों के घरों के ऊपर रूफ टॉप पर भी पहुंच जाते हैं। ये वाकई में डरावना है। नंबर थ्री, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक थाईलैंड की कहानी। यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि अगर आप कछुए के सामने कॉइन फेंकते हैं तो यह आपके लिए गुड लक लेके आता है। तभी इस देश में दोस्तों लोग कछुए के सामने बहुत सारा पैसा फेंकते हैं। दोस्तों 2016 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको दुखी कर दिया। कुछ लोगों ने पाया कि एक कछुए की चाल हद से ज्यादा स्लो हो गई है, वो ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ ठीक से मूवमेंट कर रहा है। ऐसे में दोस्तों लोगों को लगा कि शायद इसे कुछ तकलीफ ना हो। जब इस बड़े से कछुए को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स भी बिल्कुल चौंक गए। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, इस कछुए के अंदर से 915 कॉइंस निकले। जी हाँ, कहने का मतलब ये था कि यहाँ के लोग जो इसे देखने के लिए आते थे वो गुड लक के चक्कर में कॉइंस यहाँ थ्रो करके चले जाते थे और ये कछुआ उन्हें खा लेता था। बस यही सिलसिला कई सालों से चल रहा था और इसी वजह से इनके पेट में 915 कॉइंस इकट्ठा हो गए। हालांकि इनका दो बार ऑपरेशन किया गया, इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अंत में इन्होंने दम तोड़ दिया, ये हमेशा के लिए सो गए। आप समझिए गुड लक के चक्कर में कैसे इंसानों ने एक बड़े से कछुए की जान ले ली। क्या ये सही तरीका है? नहीं ना। नंबर फोर, दोस्तों कई जीव वैसे भी होते हैं, उन्हें जो भी दिखे वो उसे खाने लगते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा ही नजारा, एक अजगर का सीन। आप देखिए कैसे यहाँ पर इसके मुंह से टॉवल निकाला जा रहा है। वैसे तो अजगर भाई इस तरह से कपड़ों को नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर कहानी अलग है। ये वीडियो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से आई है। कहा गया है कि जिस फैमिली ने सांप को पाला था वो बहुत परेशान हो गए थे सांप को लेकर। अचानक इसने चलना और कुछ खाना बंद कर दिया था। ऐसे में इन्हें अंदाजा हो गया था कि अब कुछ ठीक नहीं है, और जब ये डॉक्टर के पास पहुंचे तो आप देखिए इसके पेट से कितना बड़ा टॉवल निकाला गया। वाकई में इसको समझना बड़ा मुश्किल है, आखिर ये इतना बड़ा टॉवल कैसे खा सकता है, और वो भी मोटा टॉवल। लेकिन तस्वीरें दोस्तों आपके सामने है, आप देखिए इसको देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए। दोस्तों आप बने रहिए एंड तक हमारे संग, क्योंकि आगे बहुत ही रोचक चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। नंबर फाइव, दोस्तों अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कि अमेरिका की है। ये बात आप भी जानते होंगे कि अमेरिका में बहुत ही खतरनाक सांप होते हैं, ये किसी की भी जान ले सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, यहाँ के सांप तो दूसरे सांप को भी निकल लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ का सीन, इसको देखकर कोई भी हैरान हो जाए, कोई भी ये सोचेगा ये कैसे हो सकता है। आप देखिए कैसे यहाँ पर इस सांप ने दूसरे सांप को निकल लिया, लेकिन ये क्या है मामला, आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बात ऐसी है कि जब कोई सांप जिसका कलर ब्राउन होता है तो ब्लैक कलर वाले सांप को देखते ही उसे खाने के लिए उस पर हमला करता है। ये बिहेवियर कोई पहली बार नोटिस नहीं किया गया है, बल्कि सालों से चलता आ रहा है। वैसे भी सांप दोस्तों ऐसे जीव होते हैं जिन्हें भूख लगती है तो ये किसी भी चीज को दोस्तों ऐसे में निगलने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में क्या ही कहा जाए।
नंबर 6, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सांप के स्किन से नागमणि को निकाल लिया जाता है। इसको देखने के बाद दोस्तों किसी के भी होश उड़ जाए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये नजारा अपने देश हिंदुस्तान का है। दोस्तों यही इस बात को माना जाता है कि कुछ सांप के पास बेशकीमती पत्थर होते हैं जिसका नाम नागमणि होता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सांप की स्किन से नागमणि को निकाला जा रहा है। कोई भी इस तरह की तस्वीर को देखकर हैरान हो जाए। कहते हैं दोस्तों इस पत्थर की कीमत सुनकर कोई भी दंग हो जाएगा। इसकी कीमत लाखों में है। हिंदुस्तान में ये भी कहा जाता है कि इस तरह के पत्थर को जो अपने पास रखता है उस पर कभी भी सांप के जहर का असर नहीं होगा। साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इस नागमणि को जो भी अपने पास रखता है वो कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। उसके ऊपर हमेशा ही पैसों की बारिश होती रहती है। कई लोग दोस्तों इसलिए इस तरह की वीडियो बनाकर दुनिया को बेचते हैं ये और सबको पागल बनाते हैं। आप सोचिए इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि साइंस ने इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं की है। नंबर 7, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों वो सबसे अलग है। क्या आपने कभी सोचा है किसी मगरमच्छ के पेट से एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन कछुए मिलेंगे? आप यहाँ देखिए कैसे यहाँ पर मगरमच्छ के पेट से तीन तीन कछुए निकल रहे हैं। कहा जाता है दोस्तों वैसे भी मगरमच्छ अपने खाने को चबा के नहीं खाते हैं, ये शिकार करते हैं उसके बाद सीधा पेट के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब एक थाईलैंड में क्रोकोडाइल को पकड़ा गया तो उसके पेट को खोला गया और खोलने के बाद नजारा बिल्कुल अलग था। यहाँ पर तीन तीन कछुए निकले। दोस्तों सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इनमें से दो की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे उनको पानी में छोड़ा गया वो तैरने लगे, लेकिन एक की तबीयत खराब थी। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई बार पेट के अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ये जिंदा थे। नंबर 8, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक सांप ने एक पाइप को ही खा लिया। ये कहानी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की है। कहते हैं कि सांप कुछ भी खा सकते हैं और ये बात साबित भी हो गई। क्या दोस्तों आप सोच भी सकते हैं कि पूरा का पूरा पाइप इस सांप ने खा लिया था। खाते वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ देर बाद इसकी तबीयत खराब हो गई। ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कहा जाता है कि इतना परेशान हो गया था कि एक पल नहीं बैठ पा रहा था। दोस्तों अंत में ये हुआ कि इसके ओनर को शक हुआ। इसे लगा कि कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से इसको कष्ट हो रहा है। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में पता चला किसने पाइप खा लिया। आप देख सकते हैं कैसे 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद इसके अंदर से पाइप को निकाला गया। नंबर 9, दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि कुत्ते सबसे प्यारे जानवर होते हैं। ये सबका दिल लगा कर रखते हैं और सबसे ज्यादा वफादार भी होते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसे एक कुत्ते ने एक चीज खा ली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बात दोस्तों अमेरिका की है। यहाँ पर एक फैमिली ने ये बात नोटिस की कि उनका कुत्ता 2 दिनों से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। वो परेशान है और चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जब इनको डॉक्टर को दिखाया गया तो जो सामने आया वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। आप जानते हैं इस कुत्ते ने क्या खा लिया था? इसने पूरा का पूरा बल्ब ही निकल लिया था। आप देखिए दोस्तों एक्सरे रिपोर्ट, कहा गया कि बाद में 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद इस कुत्ते के मुंह से इस बल्ब को निकाला गया। सोचिए अगर साइंस इतना आगे नहीं होता तो इस कुत्ते का बचना बिल्कुल मुश्किल होता। नंबर 10, वेल दोस्तों ये कहानी भी अमेरिका से ही है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि कई कुत्ते कपड़े भी खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये फन है, लेकिन कई बार यही फन उन्हें बीमार कर देता है। इनफेक्ट बहुत ज्यादा बीमार। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसे कुत्ते ने एक ही फैमिली के 49 सॉक्स खा लिए। जी हाँ, कहा जाता है कि फैमिली को शक हो रहा था क्योंकि रोज ही घर से सॉक्स गायब हो रहे थे। ऐसे में घर वालों को लग रहा था कि कहीं उनका कुत्ता ही तो सॉक्स नहीं खा रहा है। और कुछ ही दिनों में उनका शक सच में बदल गया क्योंकि वाकई में कुत्ता बीमार हो गया। और जब इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो जो एक्सरे मशीन में आया वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इस कुत्ते का ऑपरेशन किया गया दोस्तों और पाया गया इसके अंदर 49 सॉक्स थे। वाकई में सोचने वाली बात है, कैसे कोई 49 सॉक्स खा सकता है? लेकिन दोस्तों जानवर ही है ये कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 11, दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हमारी दुनिया की पोल खोलने के लिए काफी है। एक जमाने में दोस्तों मलेशिया के बीचेस पर बहुत गंदगी होती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके चलते इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, वेल के पेट से 13 किलो का कचरा निकाला गया था। जी हाँ, ये वेल समंदर में डाली जा रही प्लास्टिक्स को खाने लगी थी जिसके बाद यह बीमार हो गई। और जब इसको ऑपरेट किया गया तो 13 किलो प्लास्टिक इसके पेट से निकला। नंबर 12, अब मैं आपको अंत में दिखाता हूँ दोस्तों एक और अमेरिका की कहानी। यहाँ पर एक बड़ा सा सांप था जिसने पूरा ब्लैंकेट ही खा लिया, वो भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट। बाद में जब पता चला तो इसको ऑपरेट करके निकाला गया। इसके बाद सांप फिर से ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों ये सांप कहाँ मानने वाले, ये कुछ भी निकल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपसे ऐसी रोमांचक वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।